बात होगी नेपाल की, क्योंकि नेपाल में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। नेपाल में अब तक 170 लोगों की मौत हो गई है, आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, कई लोग अभी भी लापता है। नेपाल में 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। नेपाल में बारिश ने 54 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। नेपाल के 56 ऐसे जिले हैं जो कि भारी बारिश की चपेट में हैं और ऐसे इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आप तस्वीर देखकर अंदाजा लगाइए कि कितनी भयावह स्थिति है। नेपाल में भारी बारिश हो रही है, जानलेवा सैलाब वहां पर लोगों की जान लेने पर आमादा है। घर टूट गए हैं, पुल बह गए हैं, नदियों में उफान लगातार जारी है, आप जो पहाड़ है वो दरक रहे हैं, बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। लैंडस्लाइड हो रहा है और लैंडस्लाइड की वजह से कितना नुकसान अब तक हो चुका है। 170 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, यह आंकड़ा कल कम था, आज बढ़ गया है, धीरे धीरे आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आप अंदाजा इससे लगाइए कि कहा जा रहा है कि 54 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो आप तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं इन चार तस्वीरों के जरिए। घर टूट चुके हैं, पुल बह गए हैं, नदियों में लगातार उफान पर नदियां हैं, तबाही वहां पर मच रही है, घरों में लोग फंस गए हैं, बाहर निकलना उनका मुश्किल है, बाहर निकलेंगे तो तबाही है, घर के अंदर भी रहना खतरे से खाली नहीं है, सड़क पर सैलाब है, मुश्किलों में जान है, सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अब तक 500 लोगों का रेस्क्यू किया भी जा चुका है, लेकिन लोग जाए तो जाए आखिरकार, घर के अंदर रहना भी खतरे से खाली नहीं है, घर के बाहर निकलना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप तस्वीर देखकर अंदाजा लगाइए कि आज पानी का आवेग है वो कितना ज्यादा है, लहरों का आवेग कितना ज्यादा है कि घर के घर इसमें बह जा रहे हैं, पुल के पुल इसमें सिमट जा रहे हैं, तो अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सड़क पर सैलाब है, मुश्किल में जान है।